जी, गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, गृह मंत्री श्री किरेन रिजिजू, सभी गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, मैं सभी हिंदी प्रेमियों और देशवासियों को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी पुरस्कार विजेताओं को भी मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और हिंदी भाषा के लिए उनके योगदान की सराहना करता हूं। लीला मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी सीखने की ऑनलाइन सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं राजभाषा विभाग की प्रशंसा करता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 की बैठक में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद रखने और हिंदी के प्रसार के लिए वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज की तिथि में लगभग हम 63 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के संविधान सभा के निर्णय के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनमानस को जोड़ने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसा कि गृह मंत्री जी ने भी उल्लेख किया, जो गैर हिंदी भाषी थे, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य काका कालिकर की अपनी भाषाएं गुजराती, बंगला और मराठी थी, लेकिन उन महापुरुषों ने भी हिंदी भाषा में देश को जोड़ने की ताकत को पहचाना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन महापुरुषों के नेतृत्व में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई थी। उनसे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट तथा केशव चंद्र सेन जैसी विभूतियों ने हिंदी भाषा को जन जागरण का माध्यम बनाने पर जोर दिया था, जबकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। आज़ादी के बाद इस जन भाषा का सफल उपयोग मराठी भाषी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के दौरान किया था। विदेशी मूल के विद्वानों द्वारा हिंदी की सेवा करने के अनेक उदाहरण हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश सबसे अधिक लोकप्रिय है। हिंदी भाषा के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हर भारतीय भाषा में उपलब्ध हैं और पढ़ी जाती हैं। सचमुच में उनकी कहानियों में पूरा भारत बसता है। हमारे संविधान की भाषा सूची में हिंदी समेत 22 भारतीय भाषाएँ हैं। साथ ही संविधान में हिंदी के प्रसार और विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार विकसित करने से भारत हिंदी भाषा भारत के कंपोजिट कल्चर को अर्थात सामासिक संस्कृति को व्यक्त करने में अधिक समर्थ हो सकती है। दूसरी भारतीय भाषाओं को बोलने वाले हमारे देशवासी उत्साह के साथ हिंदी को अपनाएं, इसके लिए हिंदी भाषी लोगों को पहल करनी होगी। हम सब लोगों की अपेक्षा होती है जो हिंदी भाषी हैं कि अर्थात जो गैर हिंदी भाषा को बोलने समझने जानने वाले लोग हैं वो हिंदी भाषा को अपनाएं। मुझे लगता है एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही अपेक्षा हम सब जो हिंदी भाषी हैं उनसे भी जो दूसरे गैर हिंदी भाषाई को बोलने समझने वाले हैं
वो भी अपेक्षा करते हैं। और इसको मैं जब इधर हमारा इस पहलू पर ध्यान नहीं जाता है तो कभी कभी एक संघर्ष का स्वरूप उठता है। कुछ ही समय पहले हम सब लोगों ने ध्यान दिया होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में मेट्रो का, सब लोग जानते हैं, हिंदी वहाँ भी जानते हैं। इसके पहले कभी इतिहास गवाह है कि तमिलनाडु में कुछ इस प्रकार की बातें आई थी, जबकि हिंदी का प्रबल विरोध किया गया था। जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनको एक उनके मन में एक भावना स्थापित होती जा रही थी कि कहीं हम पर हिंदी थोपी तो नहीं जा रही है। और ये इस पहलू को हमें बहुत विचार करके, और कभी कभी मैं कहता हूँ कि हिंदी का विकास और हिंदी का अस्तित्व हिंदी भाषा को बोलने समझने लिखने पढ़ने वालों पर इतना निर्भर नहीं करता है जितना कि उसका अस्तित्व और प्रसार गैर हिंदी भाषाई के बोलने समझने और पढ़ने लिखने वालों पर निर्भर करता है। हमारी हिंदी का विकास बहुत हुआ है, जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि लगभग 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भारत में ही कहीं ना कहीं जो है हमें अपनी भाषा हिंदी भाषा का हमें विरोध सहना पड़ता है। और उसके पीछे मुझे लगता है कि इसकी पहल जो है, जो हम हिंदी भाषा को अपनाने वाले हैं, जानने बोलने वाले हैं, मुझे लगता है कि इसको हमें आगे आना पड़ेगा। हमें दूसरी हिंदी जो गैर हिंदी भाषा है उसमें हमें उनको स्पेस देना पड़ेगा। और भाषा हम सब लोग जानते हैं, भाषा कोई भी हो, लेकिन ये मानव सभ्यता का विकास भाषा ज्ञान पर ही सचमुच में आधारित रहा है। हमारे सामने इतिहास गवाह है, चीनी यात्री वेन सेंग आए, फाययान आए, आखिर वो किस भाषा को लेके आए? अपनी भाषा को लेके आए, लेकिन जब उनके मन में ये बात थी कि हमें भारत जाना है, यहाँ पर हमें देखना है क्या है नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है गौतम बुद्ध की जो उनकी जो वाणी थी, उनका क्या संदेश है जिसको कि उन लोगों ने अपना तो लिया, लेकिन आखिर वो देश कौन सा है, वो स्थान कौन सा है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे? और इसके लिए वो ढूंढते ढूंढते आते हैं, ना जाने कितनी बीच में उनको भाषाएं मिली होंगी, उन भाषाओं को उन्होंने थोड़ा सा सीखा अपनाया, अपनी भाषा उनके साथ में उसका पारस्परिक आदान प्रदान किया और धीरे धीरे वो नालंदा तक पहुँचे। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में नालंदा एक ज्ञान का केंद्र था, विश्व स्तरीय केंद्र, और वो पहला केंद्र था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब लोगों का दायित्व बनता है हिंदी भाषी का कि हम लोग गैर हिंदी भाषाई लोगों का सम्मान करें, उनकी भाषा का सम्मान करें। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपसे और एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक जो मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान ये कहता है कि यदि कोई जिसको हम दक्षिण भारतीय कहते हैं, यदि हम कभी चेन्नई में जाएं, हम जानते हैं, वो भी हमें जानता है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन यदि उसको हम बड़क्कम के नाम बड़क्कम कहकर के यदि हम उसका संबोधन करेंगे तो मुझे लगता है उसके मन में जो एक भावना होगी आपके प्रति करुणा और आपके प्रति जो सहर्ष जो एक स्वीकारता बढ़ेगी वो मुझे लगता है उसका इस भाषा के बिना नहीं हो सकता। इसी तरीके से किसी यदि सिख समुदाय को मिलता है कोई व्यक्ति, हम जानते हैं वो पंजाबी जानता है, हमारी हिंदी भाषा है, लेकिन यदि उसको कभी हम सत श्री अकाल कहकर के संबोधन करें उसका परिणाम देखिए। किसी यदि हमारे मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति मिल जाए, यदि उसको आदाब कहें, या गुजराती में एक शब्द है, एक बड़े लोगों के लिए एक मुरब्बी शब्द, मुरब्बी शब्द का यदि आप उपयोग करें
तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से आंध्रा में आप देखेंगे उनकी भाषा में गारू, यदि किसी के नाम के पीछे यदि आप माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी गारू, राजनाथ सिंह गारू, वो जी का मतलब जी का उपयोग जो है वो गारू के शब्द से संबोधन करते हैं उसका एक, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की उस पल जो है वो भाषा और सम्मान के स्तर से हम सबको बहुत जोड़ता है। पूरी दुनिया को एक हम सब लोग, हमारी जो एक भारतीय परंपरा रही है, विरासत रही है, जिसमें हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की उदार भावना, अभी गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया था, ना जाने कितने देशों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी उनकी भाषा है, और इसलिए देश विदेश की अनेक भाषाओं और बोलियों से ग्रहण करने की क्षमता हिंदी में है, ये बात सच है, और इस क्षमता का हमें पूरा उपयोग करना भी चाहिए। मित्रों, हमारे देश में वकील और डॉक्टर की भाषा अधिकतर लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। वकील जब अंग्रेजी में बहस करता है कोर्ट में, उसका जो मुवक्किल होता है वो हिंदी भाषी है, नहीं समझ पाता, वो गैर हिंदी भाषाई है, तमिलियन है, तेलुगु है, वकील तो अंग्रेजी में बात करेगा, बहस करेगा, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आती, वो बाद में बताएगा कि भाई हमने आपकी बात इस प्रकार से कोर्ट में रखी थी। डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन आप देखेंगे कोई नहीं पढ़ सकता, केवल केमिस्ट की जो दुकान होती है वही पढ़ सकता है, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है, राज्यों में कोर्ट कचहरी में हिंदी में बहस करने का चलन बढ़ा है, फैसले भी हिंदी में आने लगे हैं। इसी तरह यदि डॉक्टर अंग्रेजी के साथ साथ अपने परामर्श को भी देवनागरी लिपि में या अन्य जो स्थानीय भाषा है उसमें लिखने लगे तो मरीज और डॉक्टर के बीच की दूरी घटेगी। यह बदलाव देखने में सामान्य लगता है लेकिन प्रभावी होता है, यही तरीका अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है। हिंदी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है, किसी भी भाषा की तरह हिंदी भी मौलिक सोच की भाषा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सरकार के कर्मचारियों तथा नागरिकों को मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार दिए गए, नए तथा तकनीकी शब्दों को बिना अनुवाद किए अपनाया जा सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन और रजिस्टर जैसे शब्द बिना किसी अनुवाद के बरसों पहले हिंदी में घुल मिल गए थे, उसी प्रकार अनेक नए शब्दों को भी हिंदी भाषा में मिला लेना चाहिए, अन्यथा ऐसे शब्दों के हिंदी अनुवाद से भाषा की सहजता कम होती है। शब्दावली तैयार करने में स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए, सरलता के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने में अधिक सुविधा होगी। हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास जरूरी है। मुझे यह जानकर खुशी होती है कि अनेक तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाए जा रहे हैं। भाषा का आधार बचपन में ही मजबूत बनता है, स्कूली शिक्षा की हिंदी के स्वरूप पर निरंतर काम होना चाहिए। हिंदी में अच्छे बाल साहित्य का विशाल भंडार उपलब्ध हो, साथ ही विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट बालोपयोगी पुस्तकों का बड़े पैमाने पर प्रकाशन हो, ये जरूरी है। हम देखते हैं कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पहुंच बहुत व्यापक और गहरी है। हिंदी अखबारों के पाठकों की संख्या अंग्रेजी की तुलना में कई गुना अधिक आंकी गई है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कई अखबारों का सर्कुलेशन अंग्रेजी के दैनिकों की तुलना में बहुत अधिक है। इसी प्रकार हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रयोग अंग्रेजी में इंटरनेट के प्रयोग से अधिक हो गया है। अनुमान है कि वर्ष 2021 तक हमारे देशवासी अंग्रेजी से अधिक हिंदी भाषा में इंटरनेट का उपयोग करने लगेंगे। इसके कारण इंटरनेट और मोबाइल फोन पर आधारित सेवाओं का भी हिंदी के माध्यम से अधिक उपयोग होगा।
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से हिंदी भाषा को और अधिक बल मिलेगा। राजभाषा विभाग द्वारा ई महाशब्द कोश को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से हिंदी भाषा के प्रयोग में सहायता मिलेगी। हिंदी विश्व बाजार में प्रभावशाली भाषा बनकर उभर रही है। इस बाजार के लिए विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हिंदी को ध्यान में रखकर सुविधाएं भी विकसित कर रही हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जानकारों का मानना है कि कंप्यूटिंग लैंग्वेज के लिए हिंदी एक अनुकूल भाषा है। देवनागरी प्रदर्शित की जाती है। एक तरफ विदेशी भाषा की मनोरंजन सामग्री हिंदी भाषी लोगों के लिए तैयार की जा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदी भाषा में बनी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। साथ ही विदेशों में हिंदी सीखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अनेक देशों में लगभग 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति मुझसे मिले थे, अभी 2 दिन पूर्व आए थे, राज्य स्टेट विजिट पर थे, और एक प्रसंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। आप कहेंगे अंग्रेजी बोल गए लेकिन परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति भवन में उनको एक राजभोज का आयोजित किया गया, और स्वाभाविक जब हमने उनसे जानकारी उनके यहाँ से पता किया कि वो अपना उद्बोधन किस भाषा में देंगे, तो बताया गया कि वो उनकी जो भाषा रूसी भाषा है, रूस का एक हिस्सा है बेलारूस, तो रूसी भाषा में देंगे। तो हम लोगों ने भी तय किया कि मैं भी अपना उद्बोधन हिंदी में दूंगा। मैंने अपना उद्बोधन जब समाप्त किया, एक उनका शब्द आता है धन्यवाद के लिए, इस्पा बीसा। तो जब मैंने अपना समाप्त किया, उसके बाद मैंने कहा इस्पा बीसा, तो तुरंत वो जो हमारे बेलारूस के राष्ट्रपति महोदय थे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और उसका तुरंत उन्होंने जो जवाब दिया था, जय हिंद। और उन्होंने ही मुझे बताया कि इस महीने से बेलारूस की स्टेट यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाएगी। अभी हम सब लोग कार्यक्रम के प्रारंभ में एक गीत हम सब लोगों ने सुना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, यही समाप्त कर दीजिए, हिंदी हैं हम। उसके बाद में आता है वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये जो हिंदी की एक कल्पना, हिंदी का अस्तित्व, अर्थात हम सबका जो अस्तित्व है वो हिंदी पर निर्भर करता है। कभी कभी लगता है कि शायद मजहब जो है वो समाज को कभी वैसे सिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बांट सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाषाएं जो है वो हमेशा जोड़ती हैं, हमेशा जोड़ती हैं। आप एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान करेंगे, उनके शब्दों का उच्चारण करेंगे, तो मुझे लगता है कि जितनी आपकी समीपता आएगी वो और किसी कारण से नहीं आ सकती। मैं एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।